गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ बाहर गए हुए थे, मगर रास्ते में ही इनकी स्कूटर खराब हो गई और ये किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली हम यहाँ कब से खड़े हैं, मगर कोई गाड़ी वाला क्यों नहीं आ रहा है। ये तो शॉन के कहते ही सामने से कार आने लगी। बुल्ली कहता है कि जल्दी रोको इसको, ये हमारी मदद कर सकता है। ये कार वाला तो गुल्ली को उड़ा ही देता। गुल्ली कहता है कि ये क्या था, मैं तो बाल बाल बचा, मगर इसने गाड़ी रोकी क्यों नहीं, हम उसे भूत दिखाई दे रहे थे क्या। तभी यहाँ एक बस आती है। ड्राइवर इन्हें देख के कहता है कि तुम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है लगता है, आ जाओ बस में बैठो, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। ये तीनों यहाँ बस को देख के बहुत खुश हैं और ये इसके अंदर आके बैठ गए। बस में थोड़ी ही देर रहने पे इनको अजीब सी बदबू आने लगी। गुल्ली कहता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, किसका हाथ है इसके पीछे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली देख नहीं रहे हो क्या, बस कितनी पुरानी है, ये सब तो आम बातें हैं, चुपचाप बैठ जाओ नीचे। ये पीछे से इन्हें कौन देख रहा है। शॉन कहता है कि तुम लोगों ने वो देखा क्या, मुझे उधर अभी कोई दिखा। बुल्ली कहता है कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा शॉन, क्या पता अंधेरे में तुमने किसी जानवर को देख लिया हो। इनकी बस के ऊपर तो दो कंकाल बैठे हुए हैं। बुल्ली ड्राइवर से कहता है कि अभी हम कहाँ तक आए हैं, काफी समय हो गया अब तक हम पहुँचे क्यों नहीं। ड्राइवर कहता है कि हाँ हाँ बस पहुँच ही गए, जरा सा टाइम लगेगा बस, और तुम लोग तब तक थोड़ा सा सो क्यों नहीं जाते हो, मैं पहुँचते ही तुम लोगों को उठा दूंगा। इसकी बात मान के तीनों सोने लगे, मगर खिड़की से कंकाल बुल्ली को ही देख रहा है और दूसरे कंकाल ने गुल्ली और शॉन को नजर रखी हुई है। तभी हड्डियों की आवाज से शॉन की नींद खुल जाती है और अपने सामने कंकाल को देख के इसकी चीख निकल गई, कोई बचाओ यहाँ जिंदा कंकाल है। मगर दोनों पैसेंजर तो खुद कंकाल में बदल चुके हैं और बस का ड्राइवर भी एक भूत में बदल चुका है। गुल्ली और बुल्ली भी शोर सुन के उठ गए और सामने कंकाल को देख के इनको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। गुल्ली कहता है कि शॉन ये क्या हो रहा है और तुम लोग हमें बचा क्यों नहीं रहे हो। तभी ये देखते हैं कि सामने के सभी इंसान भूत में बदल चुके हैं, दरअसल ये एक शापित बस में बैठ चुके हैं। बुल्ली कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। इस कंकाल ने अपना सिर निकाल के इसके सामने ला दिया। ये भूत कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो और हम तुम्हें अपने अड्डे पे लेके जा रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली हमें मार के खाने वाले हैं क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। कंकाल कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें खाने नहीं वाले हैं। भूत कहता है कि जल्दी बाहर निकलो, हमारी मंजिल आ चुकी है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली इन्होंने यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग क्यों रखी है, वो यहाँ पे बॉक्सिंग करने वाले हैं क्या। भूत कहता है कि रुके क्यों हो, जल्दी आगे बढ़ो। ये सभी यहाँ के खड़े हो गए हैं। कंकाल कहता है कि सरदार गोलू कहाँ है, वो तो यहीं रहने वाला था, मुझे लगता है वो सो चुका है, जरा तुम जाके उसको लेके तो आओ। गुल्ली कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा या नहीं। भूत कहता है कि तुम लोगों का मुकाबला किसी से होने वाला है और अगर तुम हार गए तो हम सब मिलके तुम्हें मार के खा जाएंगे। शॉन कहता है कि मगर तुमने तो कहा था तुम हमें नहीं खाओगे, तुमने हमसे झूठ बोला। कंकाल कहता है कि कितने भोले हो तुम, शापित बस में बैठे भूतों की बात कैसे मान गए, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। इसके साथ गोलू आ रहा है, मगर ये गोलू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली कहता है कि इससे लड़े तो हम गए काम से, मेरी बात मानो इसकी बस लेके भाग जाते हैं। ये लोग फौरन बस की तरफ भाग गए, मगर इस गोलू ने शॉन को पकड़ लिया और गुल्ली बुल्ली इस पे ध्यान दिए बिना यहाँ से निकल गए। कंकाल कहता है कि सरदार आपने उन्हें जाने क्यों दिया, अब हम क्या करेंगे। ये कहता है कि चिंता मत करो, वो शापित बस है, मेरे अलावा उसे जो चलाएगा उसका काम तमाम समझो, बस देखो कुछ ही देर में वो खुद यहाँ आएंगे। शॉन कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगा। दोस्तों क्या होगा बाकी की स्टोरी में, क्या शॉन इन लोगों से बच पाएगा और आखिर अब ये शापित बस गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करने वाली है,
ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।